बहुत ही बरकत आशीष का कान बने और असी तेरी नेड़ता चाहिए प्रभु, होर लागे होके चलिए, होर भी तेरे वचन नू, तेरे कानूना विधियां निजमां नू समझिए और अधीन होके आज्ञाकारी दे नाल चलिए। भाई जॉर्ज हुणां नू बरकत देनी, भाई डेविड जी हुणां लई धन्नवाद, सारे भैणां भरावां लई तेरे नां नू वडियाई दिंदे हां। हरेक भैण भरा जिसने गाया है, उस्तत कीती है, रल मिल के इस सोहणे वातावरण नू बनाया है, उन्हां सब दे लई असीं धन्नवाद करदे हां। अगर कोई खास लोड़ है, जरूरत है सभा दे विच, कोई दुखी है, बीमार है या कोई होर स्पैशल उसकी जरूरत है, उसनू तेरे अगे लियाउंदे हां, क्योंकि तू वादा कीता है मंगो दिता जाएगा और तू अपने वचन तो कदे भी मुकरदा नहीं है, पिछे नहीं हटता है और तू कदे भी अपने वचन नू भुलदा नहीं है, हमेशा अपने वचन नू पूरा करता है। सो अपने वचन मुताबक उन्हां सब दे लई प्रभु तू भला हो, मेहरबान हो और उन्हां दी जो जरूरत है उसनू पूरा कर। हुण वचन दे पढ़े जाण दे उत्ते तेरी आशीष होवे, प्रभु यीशु मसीह के नाम विच प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। असीं दो जगह तो पढ़ते हाँ, पढ़ना है असीं प्रकाश की पोथी 1:8, प्रकाश की पोथी 1:8 मैं अल्फा अते ओमेगा हाँ, ये आखना प्रभु परमेश्वर का है, अर्थात वो जेड़ा है अते जेड़ा है सी अते जेड़ा आने वाला है, यो सर्व शक्तिमान है। आमीन। ये पंजाबी चाहत पूरी नहीं है, हिंदी शायद पूरी होवे, इंग्लिश दे विच जदों पढ़ते लिखिया आई एम अल्फा एंड ओमेगा द बिगिनिंग एंड द एंडिंग, ये पंजाबी शब्द होया है, शुरू में हाँ आखिर में, आदि में हाँ अंत में हाँ, आद हुंदा शुरू, बिगिनिंग। आइए पढ़ते हाँ, मैं अल्फा ते ओमेगा हाँ, मैं आदि अते अंत हाँ, ये आखना प्रभु परमेश्वर का है, अर्थात वो जेड़ा है अते जेड़ा है सी अते जेड़ा आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। एक होर आयत असीं पढ़नी है, फिर वो आयत असीं पढ़ के बैठ जावांगे, वो फिलिपियां की किताब है 1:6 है, फिलिपियां 1:6। अते इस गल की मैनु प्रतीत है कि जिन्हें तुहाडे विच शुभ काम का मुढ धरिया सो यीशु मसीह के दिन तोड़ी उन्हें पूरिया करेगा। प्रभु बरकत देवे वचन दे पढ़े जाने, कृपा करके बैठ सकते हो। हाँ जी, आवाज़ सारे भैणों भरावों ठीक आ रही, साफ आ रही, वधिया मिल आ रही है, पिछे हाथ खड़ा करके दस सकते दूर तक। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे भैणों भरावो, थोड़ी देर दे लई असीं गल करांगे, मेरा विषय है परमेश्वर दे काम करन दा अंदरूनी निज़म, अंदरूनी अंदरला इनसाइड। आमीन। परमेश्वर दे काम करन दा निज़म की है, अंदरूनी निज़म। आई इत्थे पढ़िया कि मैं अल्फा ते ओमेगा हाँ, मैं आदि हाँ ते मैं ही अंत हाँ, आदि मैं शुरू हाँ ते मैं ही अंत हाँ। शुरू कौन है? परमेश्वर। दूजा पढ़िया असीं कि वो जिन्हें तुहाडे विच शुभ काम शुरू किया है उही इहनू पूरा भी करेगा, वही मसीह दे दिन तोड़ी उन्हों पूरियां करेगा। आमीन। हो सकता बहुत ज़्यादा जोर ना लगावा, मैं उच्ची ना बोलना, पर बहुत जरूरी गल्लां हन जो तुसीं बहुत ध्यान नाल सुननियां हन। आत्मिक काम जिन्ने भी हुंदे हन, आमीन, ये परमेश्वर दे राहीं शुरू किए जाते हैं। हालेलुया। सारे आत्मिक काम परमेश्वर दे राहीं शुरू किए जाते हैं। हर एक चीज दुनिया दे विच, संसार दे अंदर, विश्व दे अंदर परमेश्वर ने शुरू की थी। आमीन। याद बाइबल साड़ी खोलदी है, उत्पत्ति किताब च लिखिया आदि विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती नू उत्पत्त किया। आदि विच लिखिया इन द बिगनिंग, शुरू विच
किन्ने शुरू किया? परमेश्वर। कौन शुरू करता है? परमेश्वर। संसार किन्ने शुरू किया? परमेश्वर ने। हर एक चीज की शुरुआत करने वाला कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि वह आप ही शुरू है और वह आप ही अंत है। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी, वचन परमेश्वर सी। आदि विच इन द बिगिनिंग, शुरू विच। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज की शुरुआत है। जो भी संसार विच कुछ भी पाया जाता है दुनिया के अंदर, उसका शुरू करने वाला परमेश्वर है। आत्मिक तौर पर भी, सुभाविक तौर पर भी, शरीरक तौर पर भी। आमीन। सो बाइबल कहती है उत्पत्ति उन्हें आदम का बाग बनाया, आदम नु बनाया, सब चीजा नु बनाया, फिर उन्हें वो चीज नु नष्ट किया, नाश किया चीजा नू दे समय च। आमीन। फिर उन्हें नवी शुरुआत की, पुरानी सृष्टि नु शुरू करने वाला वो आप है। नवी सृष्टि नु शुरू करने वाला भी वो ही आप है, परमेश्वर है। आमीन। देखो जे परमेश्वर सानू बुलाउंदा है तां असीं उहदे कोल आउंदे हां। जे परमेश्वर सानू ना बुलावे तां असीं उसदे कोल आ नहीं सकदे। जे मेरा पिता ही किसे नू ना खिच्चे तां मेरे कोल नहीं आ सकदा। ते बुलावा किने दित्ता? परमेश्वर ने। एक काम शुरू किने कीता? परमेश्वर ने। आमीन। ये बुलाहट कहते पहला किधरों आई? उधरों गहराई पहले सी। उस गहराई ने जो गहराई नु पुकारिया तो गहराई ने जवाब दिता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ही साढ़े उत्ते ना चमके तो असी उजाला नहीं बन सकते, अही चानण नहीं बन सकते, अही चानण नहीं चमका सकते हैं। जरूरी है कि वो करे पहले। तो इसलिए शुरू कितों होता है? परमेश्वर दे वल्लों, क्योंकि वो शुरू है। हालेलुया। परमेश्वर पहला है, परमेश्वर ही दूसरा है। यानी परमेश्वर ही शुरू है, परमेश्वर ही अंत है। इसलिए जरूर है कि वो परमेश्वर जो शुरू है वो साडे अंदर कुछ शुरू करे तो शुरू नहीं हो सकता, जो ना करे तो शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरू हो है। इसलिए बाइबल च लिखा उन्हें साडे अंदर चंगा काम शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और जे वो साडे उत्ते चमके तो फिर असी चमक सकते हैं। जे परमेश्वर हुक्म करे तो असी आज्ञाकारी करेंगे। जे परमेश्वर आज्ञा हुक्म ना दवे, आज्ञाकारी नहीं ना कवे, तो असी फिर एक किवें करेंगे? पीछे तक समझ रहे सारे? हालेलुया, आमीन। इस लड़ी नु, इस निजम नु कदे भी नहीं भुलना है। वो शुरू करे साडे अंदर कुछ तो फिर साडे अंदर शुरू हो सकता है। वो सानू बुलावे पहला तो असी जा सकते हाँ, जे वो सानू ना बुलावे तो असी नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने उसनू भेजिया। ये शुरुआत है। पिता ने पुत्र नू भेजिया, अपने पुत्र नू भेजिया, क्यों? ताकि वो प्रचार करे। क्यों प्रचार करे? ताकि उस खुशखबरी दे नाल लोकां नू बुलावे। ये उन्हें शुरू किया। आमीन। तद जो ना बुलावे, जो ना प्रचार करे, जो ना दसे, तब फिर अई विश्वास किवें कर सकदे? फिर जे असी विश्वास कीता, जे असी विश्वासी बने, जे अस परमेश्वर दे कोल आए, जे अज इत्थे बैठे हाँ, तां इह शुरू किहने कीता? परमेश्वर। जे ओह ना शुरू करदा साडे अंदर तां काम चलन शुरू हो नहीं सकदा। इले लिखा कि जिन्हें साडे अंदर शुरू किया काम वही इस नेपरे बिछड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु यीशु आया, उसने शुरू किया, उन्हें चेले बनाए,
उन्होंने प्रचार सुनिया, खुशखबरी सुनी, उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अगे दसिया, अगे शुरू हो गया। आमीन। और उन्होंने अगे दसिया, बारह नूं प्रभु ने चुनिया, बारह तो बाद अगे उन्होंने होर लोकां नूं दसिया। आमीन। और खुशखबरी फैलन लगी। जदों बाकियां ने दूसरिया ने सुनिया, उन्होंने विचों होर भेजे गए, उन्होंने तो अगे होर भेजे गए। आमीन। फिर होर लोग आज्ञाकार होए, फिर होर लोग आज्ञाकार होए। आमीन। और लोगों ने फिर खुशखबरी जो यीशु मसीह ने शुरू की, जो लोग तक पहुंचाई गई, शुरू होया काम, तो फिर लोग ने इस कबूल किया। हालेलुया। और जो लोग ने इन कबूल किया तो उन्होंने अंदर एक काम शुरू हो गया। जो उन्होंने अंदर शुरू होया तो उन्होंने अगे शुरू किया। पर शुरुआत करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। संसार विच, दुनिया विच परमेश्वर हमेशा आत्मिक कार्रवाई करता है, यानी आत्मिक काम करता है, और वो काम उदे राही शुरू किया हुआ होता है। जो वो इस आत्मिक काम शुरू करता है, लोग इसका जवाब देंगे, लोग इसका उत्तर देंगे, लोग इस कबूल करते हैं। जो लोग इस कबूल करते हैं तो परमेश्वर का काम उन्होंने अंदर शुरू हो जाता है। आमीन। उन्हें लखा हजारा केसा के अंदर जिस परमेश्वर ने आत्मिक काम शुरू किया लोगों के अंदर, आमीन, तो ये देख देख कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को मिले हैं। आमीन। पर हर एक केस के बीच तो बाइबल पढ़ने वाले आई ये देख लिया कि पहला परमेश्वर बंदे को मिले, चाहे मूसा हो, परमेश्वर उत्ते उतरिया और उन्हें काम शुरू किया। आमीन। पहल परमेश्वर दी। आमीन। परमेश्वर है जो पहले आंदा है, लभदा है, भालदा है, रोशनी विखाउंदा है, चानण करदा है, बुलाहट दिंदा है, आवाज दिंदा है, और फिर उस जवाब दी आज्ञाकारी की जाती है, तद फिर लोग उदा जवाब दिंदे हैं। भाई देखते हैं कि पालूस सीगा, यीशु मसीह उन्हें टक्कर, चेले सिगे सारे प्रभु यीशु मसीह ने जा जा के लब्बे, कोई मच्छियां फड़दा, कोई चुंगी लेंदा, कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा। मैं ये दस रहा, तू समझ रहे कि शुरू करन वाला कौन है? आमीन। प्रभु यीशु मसीह। पलूस नू, चेलिया नू, सब नू उन्ने चुनिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्हां उत्ते चमकिया, जानी प्रगट होया, और उन्होंने इसका जवाब दिता और इस चीज को कबूल किया। आमीन। और ये लड़ी पुठी नहीं चलाई जा सकती, ये तो एक घटना क्रम है जो लड़ीवार चलना, इन्हें तो दूसरे पासे नहीं शुरू कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुहानू लभिया, तुम मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया। किन्हें शुरू किया? आमीन। बंदा नहीं शुरू करता, क्योंकि बंदा शुरू नहीं है, परमेश्वर शुरू है। मैं आदि हाँ, मैं अंत हाँ, मैं शुरू हाँ, मैं ही अंतिम हाँ। आमीन। सो भैनों भरावो, इस लड़ी नूं तुसीं पुट्ठा नहीं चला सकदे, उल्ट पासिओ इहनूं शुरू नहीं किया जा सकता है। आत्मिक काम, स्पिरिचुअल ऑपरेशंस, आत्मिक कारवाइयां हमेशा परमेश्वर दे राही शुरू कीतियां जांदियां हन। हालेलुया। हालेलुया। जरूर है कि परमेश्वर पहले कुछ करे मनुख दे विच, मनुख दे अंदर, और फिर मनुख दे अंदर जदों कुछ शुरू हुंदा तां मनुख इहदा जवाब दिंदा है, इहदी आज्ञाकारी करदा है, इह चीज नूं कबूल करदा है। आमीन। इस तरह परमेश्वर का काम किसी के अंदर भी शुरू होता है, और इस तरीके दे नाल परमेश्वर का काम चलता है, अगे वधदा है। आमीन। दुनिया के अंदर
या तो दुनिया बनी संसार दे अंदर हरेक युग दे विच परमेश्वर ने इको ही इरादे दे नाल इको ही मकसद दे लई इको ही लक्ष्य या इको ही उद्देश या इको ही पर्पस दे लई काम कीता आमीन और वो उत्पत्ति तो लेके प्रकाश की पोथी तक परमेश्वर का इरादा उसकी इंटेंशन उसका गोल हमेशा एक ही रहा है आमीन और इको ही काम जो करता रहा परमेश्वर वक वक मनुखां विच ने वक वक बंदियां ने चुन के उस दा काम जो अंदरूनी सी उदा लक्ष्य एक सी ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮੇਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਮੇਨ उसकी इंटेंशन या इरादा या लक्ष्य या परपज या टीचा या गोल जो भी कहना इन कह लो एक कदे भी तब्दील नहीं होया आमीन पर हरेक युग च इंज लगा लगता है हुंदा है ओदा बाहरली प्रगटावा सदा वखरा रहा अंदरूनी जो सी इंटेंशन परमेश्वर दी अंदर जो ने अपने मर्जी दे नेक इरादे दे अनुसार अंदर तय कीता होया सगा वो सदा एक ही रहा मैं यहोवा हां जो बदलदा नहीं मैं प्रवचन जो दिंदा उन वापस कदे नहीं लेंदा हां जमीन टल जाएगी आसमान टल जाएगा पर वचन कदे नहीं टलेगा ओदा वचन ओदा लक्ष्य ओदा मकसद ओदा उद्देश ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਚ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਪਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਔਰ ਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਚ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਕਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਨਿਜ਼ਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਦੋਨੇ ਯੁੱਗ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਮੇਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਕਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਖਰੇ ਆ
पर अंदरूनी लक्ष्य निजम इको ही है। हालेलुया। अंदरूनी तौर पे वो परमेश्वर हरेक योग जो ही परमेश्वर से कोई नमा नहीं आ गया, क्योंकि जानते परमेश्वर एक है, तीन नहीं है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और वो एक ही परमेश्वर हरेक योग हरेक समय च हरेक काल के अंदर काम करता रहा। इनू ऐदा कहिए कि कपड़े जेड़े मैं कल पाए से वो होर सीगे, जेड़े मैं कपड़े मैं आज पहने हैं वो हो रहे हैं। आमीन। तुसी भी किसी ने भी। आमीन। हालेलुया। और कपड़े बारी हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, पर अंदरूनी जो शख्स अंदर वो इको ही, वो पहरावे बदलता रहा, वो रूप बदलता रहा, वो बदला चौंदा रहा, वो अग दे खंबे चौंदा रहा, वो मूसा बेच दी आंदा रहा, नूह बेच दी आंदा रहा, अब्राहम बेच दी आंदा रहा, और कदी दौद बेच दी आंदा रहा, कदी वो राजा या कदी लेवी या कदी वो कोश या कदी कोश या कदी कोई प्रगटावा कदी कोई प्रगटावा कदी कोई प्रगटावा लेके वो एक ही परमेश्वर है। और काम इको ही कर रहे अंदरूनी तौर पर, बाहर प्रगटावे जड़े हैं वो वखरे वखरे कर रहे हैं, पर परमेश्वर इको ही है। वो कपड़े बदल रहा है, एक नाटककार दे मंगू वो बहरूपिये दे वांग अपना रूप बदल रहा है, पर अंदरूनी तौर पर सदा इको ही है। लक्ष्य एक है, काम एक है, इरादा एक है, और गोल एक है। उस गोल दे लई उन्हें जो तारिया हुआ से अपने मन दे अंदर वो काम करता रहा है। हालेलुया। एन मर्फी जो है, आमीन, एन मर्फी जो है, हालेलुया, प्रभु बरकत दे भाई हुणा नु, हरेक युग दे विच ओ ओही परमेश्वर सिगा, आमीन। और हरेक युग च जेड़ा काम कर रहा सी ओ उसे गोल ले सी, उसे लक्ष्य दे ले सी जेड़ा उन्हें धार रहा सिगा, आमीन। भावे की एक काम जो ने कीता और कीते हरेक युग चौदा बारी प्रगटावा वखरा सी, हरेक युग इस युग च वखरा होया, पुराने युगां च वखरा सी, ये जो प्रगटावा बारी तौर ते हो रहा ये ता वो वखरा वखरा है, पर अंदरूनी परमेश्वर सदा इको ही लक्ष्य दे लई अगे वधदा रहा है। हालेलुया। देखो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि परमेश्वर काम किवें कर रहे कर दसगा, जिवें कि मेरा कहने का मतलब कि बाहरी तौर पर जो परमेश्वर प्रगटावे कर रहा है बंदियां दे राही बंदियां दे विच भी, आमीन, वो किवें करने हैं, किहड़ा प्रगटावा करना है, केड़ी चीज नू किवें उन्हें करना है, ये पूरे तौर पर परमेश्वर के हाथ विच है, किसी बंदे के हाथ च नहीं। मेरे कहण का अर्थ यह है भैन भरावो, किसी भी युग च किसी भी बंदे ने किसी भी मनुख ने तय नहीं किया कि परमेश्वर का प्रगटावा इस तरीके ना करना पा, परमेश्वर का प्रगटावा इस तरीके ना होना चाहिए। ये तो परमेश्वर है जो ने साडे शरीर पहने वो साडे अंदर बढ़ गया, असी उहदा पहरावा बन गए, असी उहदा बस्तर बन गए, उन्हें साडे अंदर बढ़ के अपना प्रगटावा अपने तरीके दे नाल साडे विच नहीं कीता, उन्हें युगां दे विच नहीं कीता, उन्हें बंदियां विच नहीं कीता, ये बंदियां दा अपना तय किया होया नहीं सी। हुण सानू ये पता लग गया कि असी ये नहीं, मैं ये तय नहीं कर सकना कि मैं परमेश्वर नू ऐसे ही खास ढंग नाल तय करना, ये फिर मेरा काम है, ये फिर मैं शुरू किया कर। लेकिन जो मैं ये कह रहा कि आत्मिक कार्रवाइयां आत्मिक एक्शन आत्मिक वर्क आत्मिक ऑपरेशन सदा ही परमेश्वर दे राही शुरू किए जाते, किसी भी बंदे राही नहीं किए जाते हैं। हालेलुया। सो ये पूरे तौर पर
परमेश्वर दे हाथ विच है, उस दे नियंत्रण या कंट्रोल दे विच है। आमीन। बंदे दे कंट्रोल च नहीं आ केड़े युग च किवें प्रगटावा करना है। आमीन। उदाहरण ले मार्टिन लूथर दे राई सुधार युग आया। लगभग 300-400 साल हो गए सानू सुधार युग होए चालू होए तो आज दे समय तक ले। आमीन। उदो तो लेके जदो सुधार रिफॉर्मेशन एज चालू हो गए आज तक परमेश्वर ने हजारां ही अपने बंदियां नू इस्तेमाल कीता है। आमीन। बहुत लोका दे विच दी परमेश्वर ने काम कीता है। आमीन। और जिना लोका दे विच दी मनुका बंदियां या दासां दे विच नहीं परमेश्वर ने अपना काम कीता। आमीन। हरेक दे विच दी परमेश्वर दा प्रगटावा वखरा सी। लूथर आई होर तरह का प्रगटावा सी, वेजली दे राई होर तरह दा, स्मूकर दे राई होर तरह दा, फिनी नोक्स कैल्विन इतिहास पढ़ो। आमीन। हरेक बंदे दे विच दी जदों परमेश्वर ने कोई प्रगटावा कीता तां वखरा प्रगटावा सी। ओ प्रगटावा कौन प्रगट हो रहा है? परमेश्वर आप जो उन्हां बंदियां दे विच सी पवित्र आत्मा दे रूप दे विच। औकात नहीं लग रहा समझना किसे नूं? सौखी गल्लां समझ रहे मतलब सारे भैन भरा? इन्ना समझ लग गए सारे? प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे। हालेलुया। अहीं देखते हाँ कि मार्टिन लूथर दे विच भी परमेश्वर का प्रगटावा जो बारी प्रगटावा से होर तरह का सी। आमीन। जॉर्ज मुलर आया बहुत महान मिशनरी सी। आमीन। और ओदे राई परमेश्वर का प्रगटावा होर तरह से। डीएल मूडी आया ओदे राई ए महान प्रचारक होया इतिहास दे विच। जदों इन्हां दीआं जीवनियां पढ़िए इन्हां दीआं किताबां पढ़िए तां सानूं पता लगदा कि इहदे राई परमेश्वर ने होर तरह काम किया, इहदे राई होर तरह काम किया, इस दे राई होर तरह काम किया। ये होर तरह काम करना नूं मैं कह रहा परमेश्वर का प्रगटावा उन्हां दे विच ने। आमीन। जॉर्ज मुलर दे राई होर तरह, डीएल मूडी दे राई होर तरह। आमीन। और चार्ल्स स्पर्जन दे राई होर तरह। हालेलुया। इन्हां सब दे राई ना सिर्फ बारी प्रगटावा जो हो रहा सी परमेश्वर दा वखरा सी, बल्कि ओ कम यो परमेश्वर कर रहा सी हरेक युग च हरेक समय च जिन्हां समय वक् वक् समय च बंदे आए उन्हां समय च कम जो हो रहा सी ओदा कम दा भी प्रगटावा होर सीगा। बंदे जिहड़े सीगे उन्हां दे विच दी उन्हां दा भी प्रगटावा होर सीगा। आमीन। मतलब कि किसे भी बंदे ने 100% दूजे बंदे वांग नहीं कीता। ये आदमी होर तरह सेवा दे विच आया, वो आदमी किसे होर तरह सेवकाई कर रहा सी, वो दे विच दी किसे होर तरह प्रभु दा काम हो रहा सी। अगला जिहड़ा बंदा आया या कोई होर उठिया उहदे नाल किसे होर तरीके दे नाल हो रहा सीगा। हालेलुया। हर एक दे विच हरेक युग च परमेश्वर दा प्रगटावा जो कम कर रहा सी कम इक्को ही है, उसे ही कम दा प्रगटावा जो बंदिया विच दी हो रहा पिछले 400 सालों तो। आमीन। जदों सुधार युग चालू होया उदों तो अज तक दी मैं गल कर रहा, हरेक दे राही वक्रा वक्रा अलग अलग तरीके दे नाल प्रगटावा होया है। आमीन। इसलिए सानू कदे भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं फलाने बंदे वांग ही करा फिर मैं परमेश्वर नूं पसंद आऊंगा, या फलाना भाई इतिहास कोई सेवक होया संत उन्हें इदा किया सी मैं भी इदा ही करा फिर परमेश्वर है मैनू मेरे तो खुश होगा, या मैं फिर परमेश्वर नूं पौना है। इदा नहीं हो सकता कि मैं जो किसी ने किया किसी राही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, या तुम कहो कि मैं मूसा होवां
नहीं हो सका। तिको आज मैं पलूस बनना नहीं हो सका। पलूस से अंदर ओदा प्रगटावा हो रहा, मूसा के अंदर हो रहा, तुहाडे विच नहीं हो रहा। तुहानू अपने तरीके दे नाल परमेश्वर तक पहुंच करने पैनी आ, उस तरीके दे नाल जिहड़ा तरीका उहने आप तुहाडे अंदर शुरू कीता है। जोर लगाओ कि मैं फलाने बंदे वांग करना है। बड़ा इस्तेमाल होया, बहुत इतिहास दे विच इहदा नाम होया, बड़ी बड़ियां संगतियां सी इहदियां, लखां लोक इहदे राहीं बचे हन या प्रभु दे कोल आए हन। मैं उहदे वांगू ही करना। इदां तुसीं नहीं कर सकदे, इस तरह नहीं हो सकता। उदाहरण दे लई अमरीका दे विच परमेश्वर ने भाई ब्रानहम नू, विलियम एन ब्रानहम नू इस्तेमाल किया बड़े ही जबरदस्त तरीके दे नाल। हालेलुया। और वो खास तरीके दे नाल इस्तेमाल होया, खास तरीके दे नाल उहदे विच भी परमेश्वर का प्रगटावा होया, तां लोकां ने देखिया कि सेवकाई बहुत ही फलदायक हुई, सेवकाई बहुत ही वड्डी सेवकाई हुई है। तो लोकां ने ओदे ही बिल्कुल हूबहू ओदे ही नकल करनी शुरू कर दित्ती। लोग बिल्कुल उसे तरीके दे नाल करन लग पए जिस तरीके दे नाल उन्हें कीता है, तो सारे ही फेल हो गए, सारे ही सफल हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ वो करना चाहिया जो किसी बंदे विच ही परमेश्वर कर रहा है। पर जो परमेश्वर किसी बंदे विच नहीं कर रहा, दूसरा बंदा बिल्कुल उसे तरह करना चाहता, तो वह किसी बंदे की नकल कर रहा है। वो परमेश्वर का शुरू होया काम नहीं। इसलिए महान सदे ते गरजां सब लुट गई, लुट हो गई, क्योंकि नकल सी, एक कोई ड्रामा सी, एक वचन दी उन्होंने ना समझी सी। क्योंकि ऐसा किद्दा हो सकता, सारा इतिहास चुक लो ते ब्रानहम ने जो किया कोई भी इतने नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, कोई उडेन फैडिक नहीं कर सकता, कोई महंगी नहीं कर सकता, कोई कोरमन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जे करूंगा तो परमेश्वर का अंदरूनी जो निजम या काम कर परमेश्वर ओद उल्ट किदा चल पे। मैं ना लेने पै रहे, माफ करो, सिर्फ मैं समझाने कह रहा। सारे साडे भरा है, आमीन, और सारे साडे प्यारे आ सज्जन है। हालेलुया। तो कुछ लोगों ने यह सोचा कि विलियम ब्रानहम की सेवकाई बड़ी सफल आ, उहदे दौर च देखते लोग नकल करने लिए उठ पे, सारा करने लग पे, तो ये देखते कि आखिर च होया कि सारिया दिया सेवकाइया असफल हो गई, फेल हो गई, तो गल बनी नहीं, समझे। आमीन। साढ़े सारिया का एक खास महांदरा आ, महांदरा जानी लुके आ, अपीयरेंस आ, दिखा देखदा है जिदा दे, मैं इदा का देखदा, भैन इस तरह की विखाई दे रही, वो भाई उस तरह का विखाई दे रहा, वो भाई उस तरह का, सारे इतने जिन्हें बैठे हैं सारे वक्रे वक्रे। आमीन। थोड़ा बहुत मिलता है कोई, पर हू बहू कोई भी इतने डबल रोल नहीं है बैठा। और फिर साडे विचों वो केड़ा मां आ जां बाप आ जां भैण भरा आ जो ये गरंटी दिंदा कि जेड़ा मेरे घर बच्चा आना आ वो 100% मेरे वर्गा आना, आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। मेरे बच्चे आ नाल दो आए, दोनों जे कट्ठे देखो लगना ही नहीं कि दोनों भरा आ ना मेरे वो वक्रे वक्रे ना मेरे ना मिलते, तुहाडे भी इदां ही है बच्चे। आमीन। असी कहिए कि साडे बच्चे जो आ वो 100% साडी शक्ल होवे, 100% हू बहू इसे तरह दे वो जन्म लैण, दिखावट विच कद काठ दे विच और हर तरह, ये भरावो भैणो साडे कंट्रोल च नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि जेड़े बच्चे साडे तो पैदा होने वो तांबे दे पित्तल दियां मूर्तियां नहीं है, वो
मोमदियां इमेज या मूर्तियां नहीं है। मोमदियां अगर मूर्तियां हो, पित्तल दिया मूर्तियां हो या तांबे दिया मूर्तियां हो, वो 100% उदारियां बन सकदियां, भावे तुसीं 10,000 बना लो, उदारियां ही होनियां। पर जदों उहदी लाइफ दी गल, जदों जीवन दी गल आउंदी, हालेलुया, जिहड़ा मेरे घर बच्चा पैदा होया वो कोई तांबे दी मूर्ति नहीं है, उहदे अंदर जीवन है, और जो दे जीवन अंदर है उस जीवन दा अपना प्रगटावा है, अपना प्रगटावा करेगा, जिते किते जीवन है उहदा अपना प्रगटावा है, और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मैं आदि या मैं अंत हां, मैं शुरू हां, जब वो तुहाडे अंदर शुरू होया वो जीवन तुहाडे अंदर आ गया, उहने मुढ़ धर दित्ता, फिर तुहाडा प्रगटावा वखरा है। मेरे वर्गा नहीं, ना मैं भाई जॉर्ज वर्गा कर सकदा, और ना मैं विलियम ब्रैनहम वर्गा कर सकदा, कोई किसे वर्गा नहीं कर सकता। ये परमेश्वर दे असी बच्चे बच्चिया आ, उहदा जीवन साडे अंदर उडेलिया जांदा आ, और उस अपने आप नूं खुद अपने आप नूं साडे विच दी प्रगट करदा, असी तां उहदे कपड़े आ जिहड़े पहन लैंदा है। हालेलुया, ये है परमेश्वर दा काम करन दा तरीका और निजम। हालेलुया, बंदियां दे बनाए बुत, बंदियां दियां बनाईयां हुईयां मूर्तियां, बंदियां दे बनाए हुए यो भी हुंदे हन, इस तरह दियां चीजां नकली, ओ एक शकल दियां इको ही तरह दियां हो सकदियां हन, पर बच्चे जेड़े जन्म लैंदे हन, हालेलुया, ओ लोक बच्चे जिन्हां च जीवन हुंदा आ ओ तां जीवदी एक चीज आ, जीवत प्राणी हर, यही परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम तुहाडे अंदर परमेश्वर के जीवन का उंडेलिया जाना है, और वो जीवन अपना प्रगटावा अपने तरीके नाल करदा है, दूजे की नकल नहीं की जा सकती, दूजे के वांग किदा किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, दो तरीके हैं, दो ढंग हैं, आमीन। इन्हां युगां दे विच परमेश्वर दे काम जिद्दां होया आ, एक तरीका आ या ढंग आ, वह है बाहरला प्रगटावा। जिहड़ी इह गल कर रहे कि बाहरला प्रगटावा हमेशा ही बदलदा रहा है, और इन्ना बदलिया कि कदे भी दूजे वर्गा नहीं होया। हालेलुया, युगां दे दरमियान, समया दे दरमियान, आमीन, बाहरला प्रगटावा हमेशा ही वक्रा वक्रा रहा है। पूरी तरह परमेश्वर दे काम दा बाहरला प्रगटावा अलग अलग रहा है, आमीन, पर इहदे बावजूद काम वक्रा वक्रा रहा, उस काम नूं करन दा गोल, मकसद, विषय, कंटेंट, आमें, थीम इको ही रहा, वो नहीं बदले, वो कदे भी नहीं बदले। उत्पत्ति तो लेके प्रकाश की पोथी तक परमेश्वर इको ही मकसद दे ले, आमें, इको ही गोल ले, जो उत्पत्ति च गवाचा प्रकाश की पोथी च लब पिया, इको ही गोल ले, इको ही मकसद दे ले, वो काम करदा रहा है। हालेलुया, उहदा गोल संपूर्ण तौर ते इको ही रहा है, वो कदे भी नहीं बदलिया है, आमीन। परमेश्वर ने मसीह दे विच काम किया, आमीन, मसीह ने रसूलों दे विच काम किया, आमीन, और रसूल जेड़े सी उन्होंने अगे काम किया, आत्मिक संता है युगों के दरमियान, आमीन, परमेश्वर काम आप लोगों के करता रहा, और अज असी इत्थे बैठे हाँ, अज परमेश्वर साडे विच नहीं काम कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का गोल, परमेश्वर की डायरेक्शन जेड़ी सी, परमेश्वर के काम की, आमीन, सदा एक ही रही, डायरेक्शन से अगे वादा रहा है, एक कदे भी बदली नहीं गई है, आमीन। जिम्मे मैं पहला दसा इदा ही, भावे तुम पंजाबी कपड़े पाओ, भावे तुम पच्छमी कपड़े पा लो, तो चाहे तुम तमिलनाडु के पा लो या दूसरे देशों के पा लो, किसी तरह के भी
ਭੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਐਨ ਮਰਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਨੋ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਆਮੇਨ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਚ ਹੋਈਏ ਚੀਨ ਚ ਹੋਈਏ ਯੂਰਪ ਚ ਹੋਈਏ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਯੂਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋਨ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋਰਜ ਮੁਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੀਐਨ ਮੂਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 2000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਲ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਆਮੇਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਪੱਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਸੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਮੇਨ ਲਿਪਾਲਕ ਪੰਚੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨਕਲ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਕਿਤੇ ਓਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਉਦਾਂ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਬੈਗ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਬੈਗ ਥਰਮੋਸ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਕਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੁਲਪਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਚਰਚਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹੂ ਬਹੂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ
और सानू पता है कि शुरू करने वाला तो है और ये वो है जिन्हें साडे अंदर शुरू किया है। आमीन। ये तो सानू ये पता है तो जिन्हें शुरू किया है वो अपने तरीके नाल करी जाएगा काम। साडे अंदरों दूजे की नकल करनी दूजे वर्गा बनना ये इच्छा मिट जाती है। मेरे कहने का मतलब कि बाहरली जो प्रगटावा किसी राही हो रहा है वो बाहरली प्रगटावे की नकल दूजा नहीं करेगा। ठीक है बाहरली प्रगटावा आमें पर ही देख रहे कि हो रहा जे इस जिन लोग एंटी मैसेज कहते और दावा करते ग्रुपां के ये दे हैं और ये अगर वो किसी की नकल कर रहे हैं उस तरह क्वायर बना ली है उस तरह गाना है हरेक चीज उस तरह है बोलन दे तां दस्या कि इन्नी नकल की स्टाइल तक उदाले कर ले तो बाहरली आप फॉर्म जिन्हों कहते शकल कहते बाहरली सूरत कहते बाहरला प्रगटावा कहते वो हूबहू असीं किवें धार सकते हैं। ठीक है ना ही साडे च यह इच्छा रहेगी कि आ जिहड़ा चर्च है मैं बिल्कुल उस तरह का दूजा चर्च बनावा जिमें कि एक चर्च दूजे चर्च के बाहरले प्रगटावे की नकल नहीं करेगा जिमें कि परमेश्वर के काम का प्रगटावा पठानकोट के चर्च में जिमें हो रहा है आमें इतने होर तरह है आमें परमेश्वर के काम का प्रगटावा जो लुधियाने चर्च च हो रहा वो होर तरह है परमेश्वर के काम का प्रगटावा अमृतसर के इलाके चर्च च हो रहा गुरदासपुर च हो रहा वो होर तरीके दे नाल शाम 84 के अंदर परमेश्वर के काम का जो प्रगटावा हो रहा वो होर तरह हो रहा है परमेश्वर वो है लक्ष्य वो है मकसद वो है गोल वो वाल बद रहा है डायरेक्शन वो है पर उस काम का प्रगटावा इधर होर हो रहा इधर होर हो रहा इस पास होर हो रहा लुधियाने वाले पास होर हो रहा यह परमेश्वर जिमें पाता है उस तरह करता है सारे 100% हू बहू उस तरह किमें नकल कर सकते ये नहीं हो सकता। आमीन हालेलुया मतलब मेरे कहने का बाहरी प्रगटावा जो ताड़ा बाहरी प्रगटावा है इतने बहुत भैन भरा गिफ्टड हैं गाँवते हैं पुलपट है सारा कुछ है और होर कई तरीकों के नाल इतने प्रचार के काम कर रहे हैं सारे असं होर तरह कर रहे हैं आमीन हूबहू असी उस तरह नहीं कर सकते परमेश्वर की डायरेक्शन है परमेश्वर का निर्देश है परमेश्वर का तरीका है वह साडे विच है वह जी रहा है वह अपने काम नूं आपे ही अपने तरीके दे नाल करदा है इहदा प्रगटावा हूबहू इक्को तरह का नहीं हो सकता है पर प्रभु आमीन पर इहदे बावजूद परमेश्वर जिस गोल लई कर रहा काम वह इक्को ही है तो ना तब्दील होने वाला एक गोल है आमीन वो परमेश्वर जिहड़ा पठानकोट च काम कर रहा उसी परमेश्वर का काम गुरदासपुर च हो रहा वही परमेश्वर शाम 84 च काम कर रहा वही परमेश्वर किसी होर इलाके च काम कर रहा बाहरले देश च और हरेक जगह उहदे प्रगटावे हालेलुया हरेक जगह उहदे प्रगटावे वखरे आमीन हालेलुया परमेश्वर दा निराला काम निराले या काम दे परमेश्वर दा निराला काम यो इना 2000 सालां तो सगो मुढ़ तो उत्पत्त होई पर मैं अपने नवे नियम दी गल कर रहा इना 2000 सालां तो इना युगां दे विच यो होया है कम ए आ कि परमेश्वर ने आप खुद बंदे दे विच आके अपना काम कीता है पवित्र आत्मा क्यों दिता जाता है
ताकि पवित्र आत्मा अपने काम नू जो ने चालू किया है साडे विच नी लगातार जारी रखे। आमीन। एक काम करने वाले असी नहीं हाँ, बल्कि वो है जो साडे विच नी अपने काम नू आप करता है, क्योंकि शुरू करने वाला तू है, कम तक करने वाला वो है। भाई अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, समझ लग गई। जो जवान भैन भरा हैं उन्होंने, जवान विश्वासी भैन भरावान लिए एक मुबारक गल है और बड़ी बड़ी बरकत है जवानों के लिए कि ये महान सच्चाइया जो संदेश के राही खुलिया हैं, ये सच्चाइया तुहाडे हत्थां च दित्तियां जा रही हैं सेवकां दे प्रचारां दे राहीं। आमीन। इन्हां इन्हां संदेशां दे राहीं जो असीं प्रचार कर रहे हैं ये सच्चाइयां तुहानूं दसियां जा रहीआं हैं। हालेलुया। ताकि तुसीं साफ साफ तौर ते चंगी तरह बड़ी सफाई दे नाल ये समझ सको, ये देख सको कि हरेक युग च हरेक समय च परमेश्वर दी इंटेंशन, परमेश्वर दा इरादा, परमेश्वर दा गोल कदे भी नहीं बदलिया, ना कदे बदलेगा, पर ओदे प्रगटावे हमेशा अलग अलग बारी प्रगटावे हमेशा अलग अलग ढंग दे होणगे। इले कदे भी किसी दी नकल जा रीस करने की कोशिश नहीं करनी है। ये कहना है कि परमेश्वर जिमें तू चाहुंदा है, जिमें तेरी मर्जी है, जिमें तू धारिया होया है मेरे इस काम दे लई तू इस बर्तन चुनिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो सानू समझ लग गई कि इको ही काम है जो परमेश्वर इन्हां सब समयां दे दरमियान करदा आ रहा है, कर रहा है। हालेलुया। और ए निराला अनोखा अजीब परमेश्वर दा जो काम है वो आप खुद कर रहा है बंदियां दे विच। भाई ओदे हाथ बनदे हां, भाई ओदा मुंह बनदे हां, भाई ओदा पैर बनदे हां, भाई ओदे काम करन दा चैनल बनदे हां, पर काम असी नहीं करदे क्योंकि शुरू करन वाला वो है। जे असी आप करांगे तो नकल करांगे, रीस करांगे, कहांगे वो आ चर्च बड़ा मशहूर हो गया या उत्थे तो 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार लख लख लोग एतवार इकट्ठा आंदा, 50-50 हज़ार उहदे तां ऑनलाइन जुड़दे आ। मैं भी उदा करा क्योंकि मैं बड़ी नेड़ता दे नाल देखिया वो लोग जिन्हें ये कहा कि उन्हां कोले प्रकाशन है संदेश दा, वो लोगों ने जो देखा कि भीड़ा किद्दां कट्ठिया हो रही हैं, दुनिया किद्दां कट्ठिया हो रही हैं, वो मैसेज दे अपना निराला ढंग जिहड़ा परमेश्वर दे वलों ही उन्हां नूं बख्शिया गया है उन्हूं छड के इन्हां मशहूर अजकल जिहड़े चर्चिया काफ़ी बड़े बड़े चर्चा जिते हजारां दीआं भीड़ां हन, ट्रेनां तुहाडीआं भर भर जांदीआं हन, उन्हां दी नकल करन लग पए। कर रहे हैं तुहानूं पता है, तुसीं देख रहे हैं। वो सेवक जो कह रहे हैं असीं मैसेज पढ़दे हैं, वो सेवक जो कह रहे हैं कि असीं तां भई संदेश दे बुजुर्ग हां पुराने, नकल के दिखा रहे क्योंकि उन्हें देखा भीड़ किद्दां कट्ठी हुंदी, ये तरीका असीं भी अपनाईए। इदां नहीं कीता, परमेश्वर का काम हमेशा निराला हुंदा, तुहाडे विच उहदा काम यूनीक आ, अजीब या निराला है, तुहाडे अंदर निराला, तुहाडे अंदर निराला, मेरे अंदर निराला है। हालेलुया। क्योंकि हरेक नूं उहने मिण के गिफ्ट दित्ते, और जिहनूं जिहड़ा वरदान दित्ता है उस वरदान या गिफ्ट दे अनुसार उहदे अंदर वो चीज दी कारवाई हुंदी है। क्योंकि मैं तुहानूं दस रिहा आत्मिक कारवाइयां, आत्मिक काम सदा उहदे वल्लों शुरू कीते जांदे हैं, भी उन्हें बंदा शुरू नहीं कर सकता ना करेगा करें। हालेलुया। सो परमेश्वर ने की उहदा इरादा सी उत्पत्ति तो लैके उन्हें आदमी बनाया, आदमी नूं किद्दां दा बनाया, परमेश्वर दे वर्गा हूबहू, उहदी शक्ल ते उहदी सूरत ते उहदे वर्गा, यानी परमेश्वर अपने वर्गा कोई होर बना रहा, यही तां दी इच्छा। जिहड़े काम मैं करदा हां तुसीं भी करोगे। परमेश्वर ने जो आदमी नु बनाया वो आदमी छोटा परमेश्वर, ये शुरू किने कीता परमेश्वर, आमीन, पर वो आदमी डिग गया, पर परमेश्वर ने पीछे नहीं हटिया,
परमेश्वर कदे अपने काम च असफल नहीं होता, वो उस काम से लगा रहा। हालेलुया। और आज तक लगा है। और वो की आदेश वो दा लक्ष्य जरिए गल कर रहे हैं, वो इरादा, वो इंटेंशन, वो परपज, वो उद्देश, वो गोल की है। बंदे नु मैं हूबहू अपने वर्गा बनावा और अपना काम बंदे दे विच नहीं करा। यानी बंदा परमेश्वर दी थां ते खड़ा हो गया। बंदा परमेश्वर नहीं है ना, सी परमेश्वर ताई दा गॉड हेड दा हिस्सा है। ठीक है। आमीन। पर उदी इच्छा है इन्ना शुद्ध होइए जिवें तुहाडा स्वर्गी पिता पवित्र है, तुसीं भी पवित्र होवो। इन्ने पवित्र होइए कि तुसीं नहीं जानदे तुसीं परमेश्वर दी हैकल हो। ओह सानूं हैकल बणाउंदा आ, ओह जो परमेश्वर है अपने आप नूं सारे नूं साडे विच उणेलदा है, साडे विच उणेलदा, साडे विच आउंदा आ, ताकि आदमी जो है वह आदमी भी होवे और परमेश्वर आमीन दिवांग भी ऑपरेट करे। इसलिए मसीही दो खेतरां च जिंदा है, दुनियावी खेतर च भी और स्वर्गीय खेतर दे विच भी। हालेलुया। आमीन। सो बंदा परमेश्वर दे वांगू कदों बनदा है, जदों परमेश्वर ओदे विच आ जांदा है, जदों पवित्र आत्मा आदमी दे अंदर आ जांदा तां ओ अलौकिक तत्व सुपर नेचुरल एलिमेंट पर अपना नाम ने क्या वो जो अनंत जीवन है, वो जो बटन है, वो दा ज्योत, वो रोशनी, वो अनंत जीवन, वो बटन, वो साडे अंदर आ जांदा। असी अनंत प्राणी है, आई परमेश्वर दा हिस्सा है, क्योंकि वो परमेश्वर साडे अंदर आ गया। हुण परमेश्वर अपने काम नू आप साडे विच नहीं करदा है। जो परमेश्वर तुरदा आई तुरदे हां, जो परमेश्वर रोकदा आई रोकदे हां। मैं जीऊंदा नहीं रहा, मसीह मेरे च जीऊंदा है। पुत्र अपने आप तो कुछ नहीं करता, वो ही करता है जो पिता नु करदे हुए देखता है। तुसी कुछ नहीं करदे क्योंकि तुहाडे अंदर काम किने करना है, शुरू किने करना है, मूव किने करना है, अगे किने बढ़ना, वो तुहाडे अंदर बैठा है। अपने तरीके नाल तुहानूं इस्तेमाल करता है, तुहानूं अगे लैके जांदा है और तुहानूं चुनांदा है। और तुसी इन्ने ज्यादा सतर्क हो जांदे आ, तुसी उन्हूं समझदे आ कि परमेश्वर है मैनूं कह रहा करांगे। हालेलुया। परमेश्वर और आदमी मिल जांदे, मिंगलिंग एक दूजे दे विच मिक्स हो गए। आमें। जदों इस पॉइंट ते असीं पहुंचदे हां, आमें, आई परमेश्वर ताई दा हिस्सा नहीं बनदे, गॉड हैड नहीं आ सी, वो परमेश्वर कल्ला ही है। ठीक है। आमें। जिवें प्रभु ने कहा, मैं पिता च, पिता मेरे च, मैं तुहाडे च, तुसी मेरे च। आमें। जदों असीं उहदे च, उह साडे च आ, आमें। ता इसने ता सानू श्रीमती यीशु मसीह कहा गया, श्रीमती है, दुल्हन है, और दुल्हन दे कोल दुल्हे दा नाम है। दुल्हा दुल्हन दो नहीं बल्कि एक है, एक बन जाने ओदे नाल, क्योंकि ओ साडे च, असी ओदे च आई मिक्स हो गए। हालेलुया। उस ओने अपने आप नू साडे च ढेल दित्ता, आई ओदे च मिक्स हो गए। जिवें मैं ते पिता एक हां, उसी तरह तुसी और मैं भी एक होइए। यूहन्ना 17 च प्रार्थना है, समझ लग गई। आमें। परमेश्वर दा काम इन्हां युगां दे दरमियान, आमें, ये सीगा कि अपने आप आप परमेश्वर काम करे बंदे दे विच, जो उन्हां मनुखां ने काम कीते। आमें। उन्हां मनुखां दे राहीं जो प्रगटावे होए, वो परमेश्वर सी जो आप खुद अपने काम नूं कर रहा सी। आमें। अयूब दे विच उन्हें काम कीता, हनोक दे विच काम कीता, नूह दे विच नहीं काम कीता, अब्राहम, इसहाक, याकूब विच नहीं काम कीता, मूसा विच नहीं काम कीता, पुराने नेम दे नबियां दे विच नहीं काम कीता। हालेलुया।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮੇਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਆਮੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਆ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਮੇਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਆਮੇਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮੇਨ ਉਹੋ ਹੀ ਮਸੀਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਠੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਆਮੇਨ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਰਲ ਰੋਬਰਟ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਰਲ ਰੋਬਰਟ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਆਮੇਨ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਆਤਮਿਕ
चीजा, आमीन, आत्मिक चीजा, द जो हन उदा असी बारी तौर ते नकल रीस नकल कहने नकल नहीं कर सकते। समझ लग गए? पीछे तक लग गए? समझ करी किसी ने नकल नहीं करनी। प्रभु तुहानू तुहाडे तरीके नाल इस्तेमाल करे। बारी प्रगटावे जो हुंदे हां कदे भी उना बारी प्रगटाव्या दी नकल नहीं करनी, क्योंकि आत्मक चीजा आत्मक गल्लां दी कदे भी बारी प्रगटाव्या राही नकल नहीं कीती जांदी। फिर वो डुप्लीकेट बन गया, नकली बन गया, असली ना रहा, परमेश्वर का काम नहीं रहा। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर आप खुद साढ़े विच काम करता है, आमीन, जो असी प्रगट करांगे, जो असी पेश करांगे, आमीन, वो वखरा होगा। ये भैन दूजी भैन तो वखरा प्रगट करेगी, दूजी भैन इस भैन तो वखरा प्रगट करेगी, एक एक निची भाई दूजे भाई तो वखरा प्रगट करेगी। एक्सप्रेशन बखरे होंगे, मैनिफेस्टेशन बखरे होंगे। आमीन। निजी तौर पे चाहे तुम कोई परिवार के मेंबर ही क्यों ना हो। आमीन। ये इंडिविजुअली है, एक बंदा दूजे बंदे तो, एक भरा दूजे भरा तो, एक भैन दूजे भरा तो वखरा प्रगटावा करेगी। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर ने जॉर्ज मुलर विच भी काम किया, आमीन, इंग्लैंड का सी, आमीन, प्रचारक होया बहुत वड्डा, उन्हें उहदे राही परमेश्वर ने याद प्रगट किया, तां उन्हें अनाथ आश्रम बनाने शुरू किए। वो बंदा जिहदे राही अनाथ आश्रम बनने शुरू होए, अनाथां की सेवा करनी, उन्होंने प्रचार करना, यह सब किया, हजे तक उहदी नकल करी जा रहे। पर उस बाद देखते कि जो ओही परमेश्वर चार्ल्स स्पर्जन दे राही बेच दी आया, परमेश्वर का प्रगटावा जो जवान एवेंजलिस्ट प्रचारक भाई चार्ल्स विच दी होया, ता एक बहुत जबरदस्त प्रचारक उठिया, ऐदां दा प्रचारक जिन्हों अज तक प्रिंस ऑफ प्रीचर कहते, पास्टरां दा राजकुमार। परमेश्वर का प्रगटावा जॉर्ज मुलर राही हो रहा, अनाथ आश्रम खोल रहा है, परमेश्वर का प्रगटावा आमीन चार्ल्स स्पर्जन राही हो रहा, तो एक जबरदस्त प्रचारक खड़ा हो रहा है। और परमेश्वर का प्रगटावा गोल इको ही आ, याद रखना, इंटेंशन इको ही आ, इरादा इको ही आ, बंदे बदल रहे हैं, बंदियों के विच नहीं, परमेश्वर आप खुद अपने जीवन अपने काम को प्रगट कर रहा। और जब डीएल मूडी आया तो वो स्कूल खोल रहा, बाइबल कॉलेज खोल रहा, यूनिवर्सिटियां खोल रहा, और किन्ने लोग नकल करके यही काम करने लग पे। प्रगटावा वखरा सीगा। और एक समय आया 1906 का दौर, आमीन, यदो अजूजा स्ट्रीट के अंदर विलियम सेमर आया और बैठे प्रार्थना की थी, आमीन, डफलियां बजियां, प्राई भाषा उतर आई, विलियम सेमर दे आई, एक पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का उदय होया, एक महान दौर चलिया जो प्राइया पाखिया बोलिया गई और अनुवाद होए, और अज तक उसकी नकल कर रहे कहते पेंटिकॉस्टलियां, जबकि परमेश्वर के प्रगटावे तो हरेक युग हरेक समय तब्दील होते हैं, बदलते हैं। आमीन। पेंटिकॉस्टल दौर शुरू होया, प्राइया पाखिया बोलिया गई, अनुवाद होए, लोट पोट होए, लोग नचे टपे, बहुत कुछ होया, पेंटिकॉस्टल दा उत्थान होया, उदय होया। आमीन। और जब परमेश्वर ने अपने आप विलियम मैन ब्रानहम दे विच दी उस बार प्रगट किया, तो एक जबरदस्त चंगाई सभावां दा दौर चलिया, एक अजय वचन दे प्रकाशन दा दौर चलिया। हालेलुया। जिहदे विच दी सारी बाइबल खोल दित्ती गई, वचन बहाल कर दिता गया, संदेश सानू दे दिता गया, वचन दा प्रकाशन आया।
ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋਰਜ ਮੁੱਲਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡੀਐਲ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੀਐਲ ਮੂਡੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਪਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿਨੇ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿਨੇ ਬ੍ਰਾਨਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ और आज असी एंड टाइम मैसेज दे सारे जो विलियम ब्रानम दी नकल कर रहे हरीफ हालेलुया फिर होणगे मरांगे असी यानी सफल होवांगे क्योंकि परमेश्वर दा प्रगटावा किदा होना एक कोई तय नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਨ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਖਿੱਚ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਆਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੈਅ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ शुरू किया करेगा असी की करना कि पिता प्रभु सहमत है ये तरीके ना तू करना चाहता है ਨਕਲ ਕਰੇਗੀ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਗੱਬੇ ਚੱਲੇਗੀ ਮਸੀਹ 2.5-3 ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਰਜ ਮੁੱਲਰ ਆ ਡੀਐਲ ਮੂਡੀ ਆ ਸਪਰਜਨ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਸੇਮੋਰ ਆ ਨੋਕਸ ਹੋਵੇ ਫਿਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰੇਗਾ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਾਇਰ ਭਲਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਕਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਓਪਰੇਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਸ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੇਨ ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਛਿੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੁਲਾਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਛਿੜ ਗਏ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ
पर नकल चली और हुण जदों देखिया वड्डे वड्डे चर्चे इत्थे 50,000 आंदा है इत्थे 20,000 चर्चे च आ रहा ये इदा आ उदा आ उहनां दी नकल करनी चालू हो गई फायर 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 एक करे करन लग पे इदा नहीं हुंदा आत्मिक गल्लां दी आत्मक चीजां दी कदे भी नकल नहीं कीती जांदी परमेश्वर ने कम्मां दे बाहरी प्रगटाव्यां दी नकल करनी हमेशा गलत है बाहरी लोकां नूं दिसदा आ तां बाहरी नकल करदे आई परमेश्वर नूं उहदे तरीके दे नाल रहण देना कम करन देना आमें हालेलुया याद आई पुराने बंदियां दीआं गल्लां करदे आ याद असीं उहनां दीआं जीवन कथावां पढ़दे हां याद पुराने जो संत होए सब उहनां दे असीं जिंदगियां नूं जीवनियां नूं गवाहियां नूं या सब चीजां नूं पढ़दे हां भैण भरावो इस दे लई नहीं है अई कि उहनां दी नकल करिए अई वेखदे हां कि किवें परमेश्वर ने अपने प्रगटावे उहनां दे विच दी कीते आमेन इतिहासक तौर ते इह प्रगटावे या उहनां लोकां नूं पढ़ना पिछे जो लॉकडाउन लगा सी शुरू जदों होया पहला उदों बिल्कुल बंद सी घरां च बाहर नहीं निकलना बहुत वेले टाइम से प्रभु ने मैनूं प्रेरणा दित्ती कि जो पुराने बंदे हुए महान जिन्हां नूं परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उन्हां दीआं जीवनियां लाइफ स्टोरियां सुनिए पढ़िए गवाइयां इदां मैं काफ़ी कीतियां और सुनिया आमें ये देखण लई कि किहनूं परमेश्वर ने किदां चुनिया किदां बुलाया गया तां वख वख तरीके आ सब दे वख वख ढंग आ वख वख प्रगटावे हन हालेलुया सुन रहे तुसीं आमें इसलिए असी जदों पुराने उन्हां मनुखां दी अपने संतां नबियां दी कथावां नूं कहानियां नूं चीजां नूं सुनदे हां पढ़दे हां स्टडी करदे हां जीवनियां देखदे हां ये नहीं कि हूबहू असी उदां दा ही नकल करिए या अपने कोई चीज नूं पैदा कर सकीए ऐदां नहीं कर सकदे ना ही उह नकल करन लई हुंदियां ये तां असी ये देख रहे कि किवें परमेश्वर दा काम उन्हां राहीं होया किवें उह चुने गए और की काम होया समझ लग गई आमें किस ढंग दे नाल केड़ा बंदा इस्तेमाल हो सुन रहे तुसीं भी सुनो जरा हटा दिओ इन्हां नूं सुन लो जरा ना करो आमें हुण मैं कहां कि मैं भाई नूं मसा कीता सेवा ले ठीक है तां मैं तय करां कि तू इदां ही करी जां मेरे वांगू ही करी पूरा कोई भी बंदा किसी दे लई ये तय नहीं कर सकता कि वो इदां दे प्रगटावे करे आमें एक दूजे तो प्रेरणा लेंदे हैं ठीक है पर एक कदे नहीं किस ढंग दे नाल किस व्यक्ति नूं परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ये पूरी तरह परमेश्वर के हाथ च आ किसी बंदे के हाथ च नहीं जदों परमेश्वर अयूब ते प्रगट होया तां अयूब दे राही जो प्रगटावा होया कम होया परमेश्वर दा ओह निराला अयूब दे राही सी उन्हें दुख चले सब चीजा दे विच खड़ा रहा आमें तां जदों दुखां दी सब चीजा दी गल करदे आ तां अयूब दी गल करदे आ आमें तां क्योंकि अयूब दे राही परमेश्वर दा प्रगटावा इस तरीके दे नाल होया आमें हरेक मनुख दे जीवन जदों परमेश्वर कोई काम शुरू करदा है परमेश्वर दा काम ओदे जीवन च वक्रे तरीके नाल वक्रे ढंग दे नाल हुंदा है सब दे नाल कोई तरह नहीं हो सकदा समझ लग गई आमें हालेलुया बहुत सारी गल्लां हां सानूं इह समझ लग गई कि युगां दे दरमियान सबना समयां च परमेश्वर आप ही अपने काम नूं करदा रहा है उन्हें आप अपने लिए बंदियां नूं चुनिया
आप उन्हां बंदियां दे विच अपना निवास लगाया और वो बंदे आमीन आदे विच वचन आया वचन देता रही होया। इसलिए जब भी कोई नबी बोले तूने ये क्या कि यहोवायों फरमांदा है लेकिन बोलो आप रहे हुंदे सीगे आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर आप अपने काम लोकां दे विच दी कर रहा सीगा आमीन। पर एक काम परमेश्वर ने तय किया किता कर परमेश्वर तय करता किता करना कोई भी बंदा नहीं कर सकता आमीन। सो परमेश्वर की इच्छा लक्ष्य उद्देश ये रहा कि बंदा होवे बंदे दे विच नहीं मैं अपने काम नूं करा जिवें कि आप प्रचार बाइबल दा सब बंदे कर रहे क्योंकि उन्हें ठहराया है कई मुक्ति छुटकारा लेके आइए जिन्हां दे तुसीं पाप माफ करो उन्हां दे पाप माफ है। जाओ जाके खुश शब्द का प्रचार करो बपतिस्मा दो उन्होंने और बचाओ आमीन। ये परमेश्वर है हालेलुया। सो परमेश्वर दे काम करन दा सुभाओ आमीन या उदा जेड़ा कोई कोई रिया सदा इरादा एक रिया गोल एक रिया है उदा म्यार एक रिया है उदा नापदंड या मापदंड एक रिया है प्लान इको रहा है आमीन। वो प्लान वो योजना कदे भी बदली नहीं है और वो योजना ही है कि परमेश्वर की इच्छा है बंदे नु लभे मनुख नु लभे और मनुख दे विच दी काम करे आमीन। और जदों मनुख दे विच दी वो काम करदा है तो मनुख दे विच दी बाहरला प्रगटावा की होना उन्हें लेटना उन्हें नचना कई नचने लग पे सारे उन्हें नचना दूध नचिया से बथेरे नचते अच कई कुछ करते हैं और दो उदाहरण यह दें दूध नचिया से दूध रोज ही नहीं नचता जिदा रोज नचते ठीक है। ये तो बाजे बजा के पता नहीं की करके नचते हैं आमीन। वो तो वचन आया वो नच पिया आमीन और उन्होंने तो अपनी सुध बुध भी नहीं रही सी वो तो आत्मा का मसा सी और कई बार उदे नची जाते दूध नचे ठीक है तुम नच सकते हैं पर जी परमेश्वर तुम कि नचो उदो नचो तुम पर दूजा नचे तुम भी नचना ही है। ये परमेश्वर का काम नहीं तुम आप शुरू कर रहे कुछ आमीन। बाहरली शकल सूरत काम दी बाहरला प्रगटावा जो काम दाया ये हरेक व्यक्ति दे विच वखरे तरीके दे नाल आ पर काम इको ही लक्ष्य इको ही गोल इको ही आमीन। ते इसलिए जे भैणो भरावो असी परमेश्वर नूं उहदे ढंग दे नाल काम करन दईए और उहदे अधीन होईए मैं समाप्त करन लगा हां उदे अधीन होइए उदे तरीके नाल उनू काम करन देइए और जो वो साडे विच करना चाहुंदा है उदा पूरा सहयोग देइए। जदों ही किसे दा कॉपी करना चाहुंदे अस सहयोग नहीं दे रहे अस नकल कर दे। देखो जिद्दां मूसा दे राही काम होया आमीन ठीक है उस तरह नूह दे राही नहीं होया यकूब राई होर तरह से यूसुफ विच दी होर तरह सारी गिण लो ते आमीन। सो असी की करना है जो काम शुरू करे ना तो काम शुरू नहीं हो सकता ये आयत पढ़ी क्योंकि उन्हें क्या मैं शुरू हूं मैं अंत हूं। जो शुरू ना करे असी शुरू करांगे तो असी उहदे विरुद्ध हैं अज नकली हैं अभी पखंडी हैं उहदी सजा है। पर जो वो शुरू करे तो फिर आप सहयोग दईए और जिदा सानू इस्तेमाल करता जिदा गाने गवाना चाहता उदा गाइए आमीन हालेलुया। जिदा चाहता है कि सब का अपना अपना गिफ्ट है मैं वो भाई जो इतने गा के गया मैं वो वांगू गाना आमीन इदा नहीं है मैं भैन वांगू गाना जिदा तुहानू जिस तरीके नाल इस्तेमाल कर रहा गाउण चल फिर भी चलो हो सकती है खासकर आत्मिक आमीन। जिद्दां परमेश्वर तुहानू इस्तेमाल करदा उहदी आज्ञाकारी चाहो प्रार्थना चाहो और कहो प्रभु जो तेरा तरीका तू अपने निराले तरीके दे नाल मेरे कोल कम लै
आमें। मेरे अपने तू निराले तरीके नाल मेरे विच दी प्रगटीकरण कर, ओदा तू प्रगट हो, ओदा प्रगटावे कर। आमें। इसे लई असीं जानदे हां इन्हां दिनां च बेदारी आउण वाली है, जानते हैं कि एक महान लहर चालू होने वाली है, पर उन्हें मैं नहीं तय कर सकता कि लहर इस तरीके की हो, इस तरीके की होगी रैप्चर तो पहले। आमें। एक काम होना है, किसी बजुर्ग विच नहीं हो सकता, किसी बच्चे विच नहीं हो सकता, परमेश्वर नूं लिमिट च नहीं बनिया जा सकता, वो अनंत है, वो अनलिमिटेड है, उहदा तरीका जिदा मर्जी जो मर्जी कर सकता है। अभी किदां कह सकते कि इसे तरीके दे नाल है, असी भैणों प्रभु सहयोग करिए, कहिए कि प्रभु मैं तेरे हथा च, ठीक है, मैं बबराना की नकल नहीं करना चाहता, मैं होर महान दास उस तो बाद आए आ कई इसे मैसेज उठे है, उन्होंने अपने तरीके नाल कीता, ठीक है, उन्हें कर लिया, हुण मैं उहदे वांगू क्यों करा। तू मैनू मेरी बुलाहट, मेरे बिच अपना तू प्रगटावा जिदा करना चाहता है। आमें। हालेलुया। उस तरीके दे नाल कर। अगले दो साल, अगले पांच साल, अगले कुछ साल परमेश्वर अपना काम तुहाडे विच दी किवें करेगा, जो बच्चे उठ रहे हैं अगर रैप्चर लेट हुंदा है, किस तरीके नाल करेगा, ये प्रगटावे किंज किस तरह के होणगे, परमेश्वर के हाथ च और किसी बंदे के नियंत्रण च नहीं है। आमें। परमेश्वर की चाहता है बंदे से, कि उहदा लगातार काम जो कर रहा है, जो पहले कुछ दिन उदन होया सीगा, वो शराबियां वांग हो गए, नचे टप्पे और कई कुछ किया, इदा का पहला प्रगटावा नहीं होया, उत्थे इदा का होया। आमें। परमेश्वर कदों की शुरू करता, यह उहदे मुताबिक आ, उहदा काम लगातार चल रहा, इस लगातार इस लड़ी दे विच अहीं जदों आउंदे आ। आमें। तां इस लड़ी च उहने किवें सानूं फड़ना, किवें प्रगटावा करना, यानी किवें इस्तेमाल करना आ, इह उहदे हथ दे विच आ। असीं तां कोऑपरेशन करना, अहीं तां सहयोग देना है, अहीं कहना ठीक है तेरे पिता जी तू जिवें चाहुंदा है उस तरह का। आले दुआले वड्डे वड्डियां सेवकाइयां, वड्डे वड्डे बंदे ओ इदा करदा, शायद मैं इदा परमेश्वर नूं खुश कर लवांगा, इदा नहीं करना। तुहाडे अपने तरीके दे नाल तुहाडे कोलों ने काम लैणा और तुहाडा अपना तरीका चलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तां सारिआं नूं बरकत देवे। आओ अपने सिरां झुकांदे हां, अक्खां नूं बंद करदे हां, प्रार्थना करांगे। और प्रभु ने चाहिया होर भी इस बारे च कितने गल्ला करांगे। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, तू अनलिमिटेड है, तू अनंत है, तू असीमत है और तू हरेक दायरियां तो पार है। केड़ा काम तू किवें करेगा मनुख नहीं कह सकता, क्योंकि रोमिया की किताब च लिखा उसके काम अनलभ हैं, नहीं पता लगता। पर असी प्रभु ये चाहते हाँ कि इन सब गल्लां दे राहीं पुराने समय दे राहीं किवें हुंदा रहा, अज तक इस युग तक किवें पहुंचे हाँ, किवें हरेक युग च हरेक दूत दे राहीं वखरा प्रगटावा होया, वखरा एक बाहरली और बाहरला प्रगटावा सी, नबी राही होर तरह होया, विलियम ब्रानहाम राही। तो असी तेरे काम के निजम नु समझ रहे हैं कि अंदरूनी निजम तो उहो ही है सदा, पर बाहरले प्रगटावे वखरे हुंदे हैं और बारी बार असी बाहरले प्रगटाव्या की नकल करनी चाहते हैं, जो कि तेरा वचन दसदा कि नहीं करनी है। तू सानू जिस तरह चाहता है इस्तेमाल कर, जिमें प्रगटावे चाहता उस तरीके नाल साडे विच दिखा। अजे तेरे काम लई तेनू सहयोग दिंदे हाँ, आग्ञाकारी करदे हाँ, तेरे अगे झुकदे हाँ, तू साडी मदद कर। आशीष दे बरकत दे और सभा नू अपने हत्थां च तू लिया। धन्नवाद।
और अगे भी सब भैन भरावान संभालना और अपने निराले तरीके उन्होंने चला। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह दुआ करते हैं, आमीन। प्रभु तुम बहुत बरकत दे, बाकी का समा भाई उन्होंने हाथ चाहिए। खुश हो सारे, प्रभु तुम सब बहुत बरकत दे। प्रभु अपने सेवक न और सारे आए हुए भैन भावों का ही धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के।